यार आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक मेडिसिन के डॉक्टर और एक सर्जरी के डॉक्टर। अभी अगर आपके मन में कहीं ना कहीं है या आप सोचते हैं कि आपको एक सर्जन बनना है, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सर्जन बनने के लिए, और यार टाइम कितना लग जाता है ना, आई मीन द ड्यूरेशन, इसी के साथ साथ कितना स्कोप है, आपका पे स्केल कितना रह सकता है, और साथ ही साथ वो क्या क्वालिटीज हैं जो एक सर्जन को बनाती है, यानी कि सर्जन में क्या क्या क्वालिटीज रहती हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये शेयर करना स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देती हूं कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, सो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द कमेंट सेक्शन, वहां पर एक लिंक पिन अप हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आपको एक प्लस और एक आइकॉनिक का ऑप्शन दिखेगा। प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं, आप वीडियो को पॉज कर ध्यान से समझ सकते हैं प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है। और फिर उसके बाद इस पेज में जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं, आपका ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद वहां पर एक कोड का ऑप्शन मिलता है, कोड की जगह आप लिख देंगे AKA लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वेन यू यूज दिस कोड, राइट। सो गाइज, जो डॉक्टर सर्जरी में स्पेशलाइज होते हैं उनको सर्जन्स कहते हैं। सर्जन अपने पेशेंट्स के ऑपरेशन के थ्रू उनकी बीमारी या उनकी इंजरी को ठीक करते हैं। अब यार इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बिल्कुल प्रिलिमिनरी से स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 60% स्कोर से आपने उसको क्लियर किया होना चाहिए। देन आप नीट UG एग्जाम देते हैं, उसकी रैंक पे बेस के बेसिस पर जो भी कॉलेज आपको मिलता है, यानी कि आप अगर MBBS ऐसे कॉलेज से करनी होगी आपको विच इज MCI अप्रूव्ड, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूव किया हो, 5.5 ईयर्स इंटर्नशिप इंक्लूड करें तो आपको लग जाते हैं MBBS के लिए। उसके बाद आप नीट PG की तैयारी करते हैं, और फिर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं तो वापस से आपको एक MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और वहाँ पर आपको MS का डिग्री लेना होता है, MS इन जनरल सर्जरी, एंड वो कोर्स का ड्यूरेशन भी आपका 3 ईयर्स रहेगा, और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। स्पेशलाइजेशन के लिए हम MCH करते हैं, और ये वाला कोर्स भी आपका 3 ईयर्स तक रहेगा। अब बात आती है कि स्पेशलाइजेशन की, तो देखो यार स्पेशलाइजेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जो आपका डील करता है विद दी चेस्ट, हार्ट, ईसोफेगस, और देन वी हैव दी न्यूरो सर्जरीज जो आपका यू नो विच डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर ब्रेन। देन वी ऑल्सो हैव ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स में बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, ये सब आ जाता है, और भी बहुत सारा है यार, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आपका, और स्पेशली अब भी आपका क्या इंटरेस्ट है आफ्टर MBBS, जब आप वो 5 साल देंगे MBBS को, उस टाइम पर कौन से एरिया में आपका वो इंटरेस्ट डेवलप होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो यार अब हम बात करते हैं स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज की। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर एक अच्छा स्कोप है, इवन आप एक विजिटिंग सर्जन की तरह भी रह सकते हैं, साथ ही साथ आप मेडिकल कॉलेजेस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, और यार आप आर्मी को सर्व कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंड इन फैक्ट यू नो खुद का पर्सनल क्लिनिक होना, वो ऑप्शन तो हमेशा ही आपके पास रहता है, राइट। अभी हम डिस्कस करते हैं द पे स्केल, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने वो एक फिगर्स रखूँ कि यार इतने के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखिए आपका पे स्केल काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आप कितना वर्क आवर्स दे रहे हैं, आपकी स्किल, आपका एक्सपर्टीज, जो कि ऑब्वियसली विद टाइम और फाइन हो जाता है। तो जैसे जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपको इसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपका पे स्केल काफ़ी अच्छा रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड 50,000 टू 5 लाख पर मंथ, और प्राइवेट सेक्टर में एनीवेयर बिटवीन 70,000 टू 7 लाख पर मंथ। और यार इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आप इससे भी शायद और बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, एंटायरली डिपेंड करता है आपके स्किल, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके एक्सपीरियंस, आपके एक्सपर्टीज के ऊपर कम्प्लीटली, और इवन द लोकेलिटी, आप कौन से एरिया में हैं, आप कौन से रीजन में हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो डेफिनेटली आपका पे स्केल काफ़ी बेटर रहता है। तो यार टाइम तो अच्छा खासा लगता है, यानी कि आपने देखा पहले 5.5 ईयर्स का MBBS करो, फिर 3 ईयर्स का MS, फिर उसके बाद 3 ईयर्स का MCH हो जाता है, जिसमें बीच बीच में आपको दो पेपर भी देने हैं ना, नीट UG का भी देना है और फिर नीट PG भी देना है, तो टाइम लगता है। बट अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, तो यू शुड गो फॉर इट एंड इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। अब हम डिस्कस करते हैं कि यू नो
एक सर्जन की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? तो यार देखो, सर्जन क्या करते हैं, यू नो, उनका मैक्सिमम टाइम या काम कहाँ पर है? ऑपरेशन थिएटर के अंदर. तो ओटी में आप पेशेंट फेंट रहता है और वहाँ पर सर्जन को सर्जरी परफॉर्म करना होता है ना. तो देखो यार, आपका जो पेशेंट है वो तो फेंट है, अब एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह आपकी है, आप किसी की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना. वहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं आपके हैंड्स और आईज, आपके हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपकी मोटर स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. वो यू नो, जितने भी अच्छे सर्जन हैं आप देखेंगे कि उनका मोटर स्किल बहुत अच्छा होता है, यानी कि हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है. और ये एक्चुअली डेवलप हो जाता है जब आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं. देन यार, आप तो यू नो, बहुत सारा एडवांसमेंट भी आ गया है टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से सर्जरी परफॉर्म करना हैज़ बिकम ईजियर. लेकिन आपको यू नो, यू शुड हैव दैट कंटिन्यूस लर्निंग एटीट्यूड, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें जो एडवांसमेंट आ रहा है मार्केट में, उससे अपडेटेड रहना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है. क्योंकि जब आप यू नो, अप टू डेट रहेंगे तभी आप वहाँ पर अपनी फील्ड में बेटर कर पाएंगे और उभर पाएंगे. सो दैट कंटिन्यूस लर्निंग एटीट्यूड शुड बी देयर. और साथ ही साथ यू नो, आपने देखा होगा कि सर्जन्स कैसे सर्जरी परफॉर्म करते हैं, बैठ कर नहीं, खड़े होकर परफॉर्म करते हैं ना. और यार, कुछ कुछ सर्जरीज तो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, मतलब 3 to 4 hours तक चली जाती हैं. तो आपका स्टैमिना काफ़ी बढ़िया होना चाहिए कि इतनी देर तक खड़े होकर आपको सर्जरी परफॉर्म करना है. एंड यू हैव टू बी सो एक्टिव इन एवरी सेंस. और वैसे भी आपने सर्जन को अगर देखा है तो यूजुअली वो काफ़ी ऐसा एक्टिव और एकदम यू नो, फिजिकली फिट नज़र आते हैं. तो इसका ध्यान आप अभी से रखना शुरू कर सकते हो. इसी के साथ साथ ज़रूरी है द टीम कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यार एक सर्जन के साथ एक टीम काम करती है, तो टीम कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सर्जन के अंडर पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सेज होती हैं, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स होते हैं. तो वो ज़रूरी है एक गुड टीम कोऑर्डिनेशन. सो यू हैव टू बी अ वेरी गुड टीम लीडर. सो अभी तक आप समझ गए हैं कि एक सर्जन होना कैसा होता है. कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप यू नो, कौन से वाले सर्जन बनना चाहते हैं, यानी कि किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, इफ़ यू आर पैशनेट टू बी अ सर्जन. और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. UA लाइट ये टेस्ट सीरीज है. टेस्ट देना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, चाहे 22 एस्पिरेंट आप हैं या 23 एस्पिरेंट हैं, टेस्ट ज़रूर दीजिए. यहाँ पर आपको इस टेस्ट सीरीज में मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी मिलेगा और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा. यार देखो, टेस्ट देने से एक तो एनालिसिस हो पाता है, एग्जाम लाइक टेम्परामेंट बिल्डअप होता है और पता चलता है कि हमें किधर इंप्रूव करना है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, राइट. तो आप ये इसमें एनरोल करा सकते हैं. 6 month का भी ऑप्शन है आपके पास, 18 month का ऑप्शन भी है. और यहाँ पर अमाउंट भी काफ़ी डिसेंट है और इतना भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोड यूज़ करेंगे AKA लाइव तो आपको वैसे भी इसमें 10% ऑफ मिल जाएगा. अब ये भी आपका लिंक वही जो सेम प्लस और आइकॉनिक वाला है, वहीं पर आप जाएंगे उसी पेज पर, तो प्लस और आइकॉनिक के बाद आपको UA लाइट का ऑप्शन मिलेगा. तो वहाँ से आपने यू नो, इसके लिए एनरोल करा देना है. वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.